Hi student, welcome to RCI EduHub online classes. Class 12th Agriculture Biology. Chapter 3rd topic है गेहूं का तना छेदक कीट का प्रबंधन. Last जो topic था उसके अंदर उस video में गेहूं का तना छेदक कीट का सामान्य परिचय और इसके life cycle जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था. आज इसका प्रबंधन आता है. प्रबंधन में सबसे पहले फर्स्ट जो है वो है सस्य प्रबंधन. सस्य प्रबंधन में यहां से फसल चक्र अपनाना चाहिए. फसल चक्र अपनाना चाहिए यानी कि फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, जिससे एक फसल बोने के बाद उसका नंबर बहुत बाद में अगर आता है तो इस कीट की जो अवस्थाएं होती है वो नष्ट हो जाती है और इनका प्रकोप कम हो जाता है. जैसे मक्का ज्वार जो है इसकी फसल प्राप्त करने के बाद गेहूं की जो फसल होती है उसकी बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गेहूं का तनाछेदक जो कीट है ये मक्का और ज्वार को भी नुकसान पहुंचाता है. तो इसके ऊपर मक्का और ज्वार के ऊपर ये पाया जाता है, जैसे ही मक्का ज्वार की फसल को हटाया जाता है या उसकी कटाई कर ली जाती है उसके बाद में तनाछेदक कीट जो है गेहूं का, इसकी कोई भी अवस्था उस खेत के अंदर उपस्थित हो सकती है. और जैसे हम गेहूं की बुआई करेंगे तो उसके ऊपर अपना जीवन यापन प्रारंभ कर देता है और इसको नुकसान पहुंचाता है. तो फसल चक्र का ध्यान रखें, साथ में मक्का और ज्वार की खेती करने के बाद आप उसके ऊपर गेहूं की बुआई नहीं करें. इसके बाद जो फसल होती है उस फसल में रोगी जो पौधा होता है, रोगी पौधा रोगी पौधे में इसको जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए. रोगी पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए. दो पॉइंट है यहां पर अपने पास सस्य प्रबंधन में. सेकंड पॉइंट जो आता है वो है इसका जैविक प्रबंधन. जैविक प्रबंधन के अंदर जो कीट है इस कीट के प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं प्राकृतिक शत्रुओं की रक्षा कर और इनको प्रोत्साहित करके इनकी संख्या में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है. तो प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं ये इस कीट को खाकर क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं. इनकी अवस्थाओं को अंडे और लार्वा जो अवस्था होती है उसको ये नष्ट कर देते हैं, जिससे कीटों की जो संख्या होती है वो उसमें वृद्धि में रुकावट आ जाती है और इसके नुकसान से होने वाला नुकसान जो है उसको बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है. जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कौन से ऐसे प्राकृतिक शत्रु है जो गेहूं का तना छेदक कीट की अवस्थाओं को खाकर नष्ट कर देते हैं, तो इसमें आता है ब्रेकोन जेली की. ये है, इसकी संख्या में जैसे वृद्धि करेंगे तो ये इसकी अवस्थाओं को खाकर नष्ट करेगा. एक है ब्रेकोन क्लोनिस. थर्ड पॉइंट आता है रासायनिक प्रबंधन. रासायनिक प्रबंधन के अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके इनकी नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें आता है क्लोरपाइरीफॉस. क्लोरपाइरीफॉस 20 EC, या इसी इमल्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रेशन
इमल्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता। इसके अलावा क्यूनोल्फॉस ईसी, इन दोनों में से किसी भी एक को, क्लोपाइरिफॉस या फिर क्यूनोल्फॉस, दोनों में से किसी एक को 0.05%, इनकी मात्रा कितनी ली जाती है 0.05% मात्रा को पानी के अंदर घोलकर इसका पौधों के ऊपर छिड़काव किया जाता है, पौधों पर छिड़काव किया जाता है जिससे इनके प्रकोप को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से गेहूं का तना छेदक जो कीट है उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। थैंक यू।